हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। अच्छा, हमारी प्रीवियस वीडियो तक हमने ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो मरे हुए जानवर होते हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स, उनको कौन खाता है? सोचो, कौन खाता है उनको? उनको खाते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो भी जानवर वगैरह हैं जंगलों में मर जाते हैं तो उन्हें कौन खाते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब सेप्रोट्रॉप्स में कौन कौन से जीव आते हैं, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों, आपने सुना है ना कि जो शेर है वो हमेशा मार के खाता है, यानी कि वो जीवों को पहले मारता है। कोई भी जानवर है, पहले उसे मारेगा, उसके बाद खा लेगा, है ना? अच्छा, और अगर उसे मरा मराया कोई जानवर मिल जाए तो वो उसका शिकार नहीं करता। तो उसका शिकार कौन करता है? उसका शिकार करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे, जहाँ सब्जी मिलती है ना, वहाँ पे मशरूम्स भी बिकते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अच्छा, आपने बारिश के मौसम में जो अम्ब्रेला लाइक छोटे 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 पैचेस जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं, फूले फूले से। देखो बच्चों ध्यान से, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये ग्रो करने लगते हैं और ये कुछ वुड जैसे लगते हैं, है ना, सड़ी हुई लकड़ी जैसे लगते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला जैसी इनकी शेप होती है, तो ये ग्रो करने लगते हैं। तो बच्चों ये है क्या और ये किस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो अब हम ये देखने वाले हैं बच्चों कि ये इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है और इनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वो रेनी सीज़न में डेवलप करते हैं। क्या समर सीज़न में भी करते हैं? तो चलो बच्चों, अब इनके बारे में हम डेप्थ स्टडी करते हैं। देखिए, इनकी बात कर रहे हैं, भूजो वॉन्ट्स टू नो। इससे पहले भूजो जानना चाहता है हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स लेते कैसे हैं? दे डू नॉट हैव माउथ। इनके तो मुंह भी नहीं होते, लाइक एनिमल डू। एनिमल के मुंह होते हैं ना, वो मुंह से खाते हैं, बट इनका तो माउथ भी नहीं होता, तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे ले लेते हैं? सोचने की बात है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। और ये ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है और ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बना भी नहीं सकते। तो फिर बच्चों, ये बात तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली हो गई कि इनको न्यूट्रिएंट्स आखिर मिलते कैसे हैं। लेट अस फाइंड आउट विद द एक्टिविटी 1.2। देखिए बच्चों, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। आपको क्या लेना है? एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, और उसे थोड़ा सा गीला कर दो, है ना, पानी से बिल्कुल हल्का हल्का सा गीला कर दीजिए। आगे देखिए, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। यानी उसको 2-3 दिन के लिए रख दीजिए कोई मॉइस्ट वार्म प्लेस पे, यानी थोड़ी नमी वाली गर्म प्लेस पर आप उसे रख दीजिए। और कब तक रखना है आपको? जब तक कि उसमें कुछ फ्लफी पैचेस नहीं आ जाएं, छोटे छोटे जो दाग से आ जाते हैं ना, देखो, तो ये नहीं आ जाएं, तब तक आपको इसे रखना है। वॉट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस का कलर कौन सा है बच्चों, देखकर बताइए। ब्राउन। अच्छा, ग्रीन पैचेस भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं,
ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आप इसे जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, यहाँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे बच्चों, तो आप ये पाएंगे, देखिए कि इस तरह के होते हैं ये पैचेस। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जूम करके दिखाता है, या फिर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखोगे तो ये आपको जूम पिक्चर दिखाएगा और ये कुछ इस तरह के लगेंगे पैचेस। ठीक है, अच्छा आगे देखिए बच्चों, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेडिंग ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि कुछ कॉटन जैसे धब्बे जो हैं वो ब्रेड पर स्प्रेड हो गए। कॉटन जैसा ही लगता है ना, बट देखने में बच्चों बहुत ज़्यादा ऑड सा लगता है ना। आगे देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, और इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फंगी। ठीक, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनका न्यूट्रिशन बहुत अलग है, ये अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये क्या कर रहे हैं? ये जिस ब्रेड पर फैले हुए हैं ना, उस ब्रेड का सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। ठीक है, उस ब्रेड के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो जीव है वो सड़ी हुई चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स लेता है। किससे लेता है? सड़ी हुई या फिर सड़ रही हुई चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो इसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? जैसे जंगलों में भी कई जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, अब मरे हुए जानवर को कौन खाएगा? ये ऐसे जीव खाएंगे जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और पता है बच्चों, अगर ये जीव नहीं होंगे तो हमारे जो जंगल है ना वो गंदे ही पड़े रहेंगे। क्यों? कोई खाने वाला नहीं होगा उन्हें। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जो हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, ये इन्हें खा लेते हैं। इसकी वजह से जो जंगल हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे भी रहते हैं। ठीक है, और बीमारियां भी नहीं पनपती। क्यों? क्योंकि अगर जानवर की डेड बॉडी ज़्यादा समय तक पड़ी रहेगी और वो साथ के साथ एग्जॉस्ट भी नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा? तो इस केस में बच्चों वहाँ से कई सारी बीमारियां पनपेंगी। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, यानी ऐसे जीव जिन जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब अच्छे से क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड और डिकेइंग मटीरियल से अपना खाना लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसे हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो लेते हैं वो क्या है अपने आप में? वो सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, जैसे फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फंगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं आती, फंगी देखो अचार में भी आ जाती है। मम्मियाँ जो हैं वो अचार को बहुत ज़्यादा ऑयली करके रखती हैं जिससे कि उसमें फंगस ना लग जाए, है ना। और जब आप ऑयली नहीं रखोगे उसको तो फिर क्या होगा? जैसे ही उसे थोड़ा गर्म और नमी वाला वातावरण मिलेगा तो फिर उधर फंगस लगना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्लॉथ्स में भी होता है और कई और चीज़ों में भी होता है जिसमें फंगस डेवलप हो जाती है। और फंगस की एक नेसेसरी कंडीशन क्या आई बच्चों? कि जो टेम्परेचर है, जो वेदर है ना, वो हॉट हो और साथ ही थोड़ा नमी वाला हो। ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के मौसम में ये कई सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। कई बार आपने किसानों से सुना है ना कि इस बार ये फंगस ने मिलकर सारी फसल बर्बाद कर दी,
है ना। तो बारिश के मौसम में ऐसा भी हो देखने को मिल जाता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनेक्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपके घरों में फंगी की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक, आगे देखिए। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेशंस वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जो पहेली है वो सोच रही है कि एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना, जब वो उसके प्यारे से बहुत ज़्यादा सुंदर से जो शूज़ थे वो फंगी के द्वारा बारिश के मौसम में बर्बाद हो गए, है ना। बारिश के मौसम में रख दिए होंगे उसने, अब उसने बस एक ही बार पहने थे उसको, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेशन यानी बस एक ही बार पहने थे, होगी किसी की शादी वगैरह, ठीक है, तो एक ही बार उसने पहने और फिर उसके बाद स्पॉइल हो गए। किसकी वजह से? फंगी की वजह से। She wants to know, अब वह जानना चाहती है how fungi appears suddenly during the rainy season, कि फंगी रेनी सीजन में अचानक से आ कैसे जाती है। सोचने वाली बात है, let us find out। देखिए, भूजो says, अब भूजो कुछ कह रहा है, his grandfather told him that his wheat field was spoiled by फंगस। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, तो ऐसा भूजो के साथ भी हुआ है कि भूजो के दादाजी बता रहे थे कि उनका गेहूं का खेत जो है वो फंगस के द्वारा बर्बाद हो गया। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज़ आल्सो, अब वह ये भी जानना चाहती है कि इससे बीमारियां भी पनपती हैं। तो देखिए पहेली क्या जवाब देती है। पहेली टोल्ड हिम दैट Many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals, including humans. यानी पहेली कुछ जानती है और वो बता भी रही है कि कुछ फंगी जो होती हैं बच्चों वो नुकसानदायक नहीं होती, जैसे कि yeast and mushroom। याद रखेंगे yeast क्या है? फंगी है अपने आप में। मशरूम क्या है? फंगी है अपने आप में, जो कि नुकसानदायक नहीं होती, बट कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल में बीमारियां पैदा करती हैं और साथ ही ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाती हैं। क्लियर। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंगी का इस्तेमाल हम दवा के रूप में भी करते हैं। तो तीन पॉइंट्स हैं बच्चों, याद रखेंगे। सबसे पहली बात, ईस्ट एंड मशरूम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। बट अब सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि कुछ फंगी ऐसी भी हैं जो एनिमल्स, प्लांट्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनको भी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, और कुछ फंगी का इस्तेमाल हम मेडिसिन में भी करते हैं। तो फंगी भी कई तरीके की होती हैं, सिर्फ एक तरह की नहीं होती, कई तरीके की होती हैं। क्लियर। और ये फंगी जो है ना, इसी का टाइप है, ईस्ट और मशरूम। आगे बढ़ते हैं, देखिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स हैं, फंगल स्पोर्स, स्पोर्स का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, जो फंगी है ना, फंगी, उसके छोटे छोटे जो कड़ हैं वो हमारी हवा में ही मौजूद होते हैं। ठीक है, when they land on the wet and warm things, they germinate and grow। ये हवा में ही छोटे छोटे कण मौजूद हैं फंगी के, और जैसे ही वो किसी गर्म और गीली जगह पर बैठते हैं तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? क्या आपको अब समझ में आया कि हम अपनी चीजों को कैसे बचा सकते हैं बर्बाद होने से? बट एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, जो पहेली है उसके शूज खराब हो गए थे जब उसने रेनी सीजन में ऐसे ही रखे छोड़ दिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेनी सीजन में हमारे एटमोसफियर में, हमारी हवा में क्या थे? फंगल स्पोर्स थे, यानी फंगी के छोटे छोटे कण थे,
और जैसे ही उसे पहेली के गीले शूज मिल गए, है ना, पहेली के गीले शूज मिल गए और थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट मिल गया, तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसने ग्रो करना शुरू कर दिया और साथ ही उसको बर्बाद भी कर दिया। वो जैसे ही ग्रो हुई, इसकी वजह से शूज भी उसके सारे खराब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फंगल स्पोर्स जो हैं वो हमारे एयर में मौजूद हैं, और वो फंगल स्पोर्स जैसे ही कोई गर्म और साथ ही गीली जगह पर बैठते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं बच्चों कि आप अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर पहेली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर पहेली अपने शूज को बिल्कुल रैप करके रखती है ना और सुखा कर रखती अच्छी तरह से, तो उसके शूज गीले नहीं होते, तो इससे उस पर फंगस भी नहीं लगती। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि बारिश के मौसम में इस तरह से अपनी चीज़ों को गीला नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सुखा कर छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे उस पर फंगस नहीं बैठ पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ जीव बच्चों एक साथ रहते हैं, इन शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। तो थोड़ा फील करो इसको, एग्जाम्पल लेते हैं फंगी का ही। देखिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो रूट्स में रहती हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में रहती हैं, है ना। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी, टू द फंगस, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो जीव हैं वो एक साथ रह रहे हैं और एक साथ न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फंगी है बच्चों वो प्लांट्स के साथ रहती है, उनकी जड़ों के साथ रहती है, फंगी और रूट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें फंगी जो है वो वाटर और साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को प्रोवाइड कर देती है, और ऑन द अदर हैंड जो प्लांट खाना बनाता है वो फंगी को दे देता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फंगी प्लांट्स के लिए कुछ कर रही है और प्लांट्स फंगी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इधर क्या हो रही है, इधर इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप चल रही है। देखिए, ये प्लांट्स हो गए, ये फंगी हो गई, जो फंगी है उसने इन्हें न्यूट्रिएंट्स दे दिए, वाटर दे दिए, तो प्लांट्स जो होंगे वो इसे खाना दे देंगे। सिंपल है ना, दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रही है, और इसे हम क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिम्बायोसिस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स, अब लाइकेन्स के बारे में सुनो बच्चों, मोस्ट पॉपुलर, और आपने जगह जगह लाइकेन्स देखे होंगे। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, इसमें क्या है, इसमें पार्टनर जो है उसके पास क्लोरोफिल है, तो पार्टनरशिप किस किस के बीच में है सोचो। यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो एल्गी और फंगस दोनों के बीच में है, किसके बीच में है, एल्गा और फंगस। ठीक है, एल्गी बोल दो आप, एल्गा बोल दो, दोनों बात एक ही है, बस यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है, दोनों नाम एक ही है। ठीक, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स, अब लाइकेन्स एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, इसके पास क्लोरोफिल होती है, विच इज एन एल्गा, जो कि क्या है, एल्गी और साथ ही फंगस एक साथ रहते हैं। एल्गी जो है उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, और फंगस इसके साथ क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि फंगस जो है वो एल्गा को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, और एल्गा जो है वो उसे खाना बना कर दे देती है। ठीक, क्लियर है ना, यहाँ क्या हो रहा है, और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लाइकेन्स, ठीक है, लाइकेन्स में दो होते हैं, एक होती है यहाँ एल्गी और एक होता है फंगस।
फंगस क्या कर रहा है, फंगस इसे पानी दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है। और एल्गी के पास खुद तो क्लोरोफिल है, एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बना सकती है, तो वो खाना बनाकर फंगस के साथ शेयर कर देती है। तो इन दोनों का भी जो रिलेशन हुआ वो सिम्बायोसिस हुआ, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ पर ये दोनों इस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाकर रहते हैं। ठीक, तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।